इस बार मुस्लिम त्योहार बकरा ईद और हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार एकादशी भी एक साथ ही तारीख पर आए हुए हैं। लेकिन शहर की राजनीति में भगवान विट्ठल की फोटो पर बकरे की फोटो छाप जाने के कारण बड़ा विवाद उत्पन्न हो चुका है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा राष्ट्रवादी शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के विरोध में गणेशपीठ स्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय के आगे तीव्र आंदोलन किया गया। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में भगवान विट्ठल की फोटो पर बकरे की फोटो छपी हुई है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा तीव्र आंदोलन किया गया। इस समय पदाधिकारियों द्वारा ताल मृदंग की ताल पर भजन गाकर दुनेश्वर पेठे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई। उसी वक्त राष्ट्रवादी की महिला पदाधिकारी नूतन रेवतकर ने चल रहे आंदोलन में असंतोष व्यक्त करते हुए जोरदार नारेबाजी की, जिसके प्रति उत्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा और उन्होंने भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। दर्शकों, शहर की राजनीति में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है। दुनेश्वर पेठे, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है, उनके द्वारा प्रकाशित किए गए कैलेंडर पर प्रभु विट्ठल मूर्ति पर बकरी का चित्र छप गया है, जिसके विरोध में आज भाजपा युवा मोर्चा तीव्र आंदोलन कर रही है दुनेश्वर पेठे के कार्यालय के आगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहर महामंत्री, ये आप देख रहे हैं ये कैलेंडर के ऊपर में भगवान विट्ठल की फोटो है, फोटो के ऊपर बकरे का चिन्ह है, उसके बाजू में मस्जिद है। अब इस तरीके से छाप के हिंदुओं की भावना दुखाने का प्रयत्न राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे जी ने किया है। हमने कल पुलिस कमिश्नर को निवेदन दिया था, ये आज तक तुम व्यापार नहीं करते हो तो कल हम आंदोलन करेंगे। आज तक उन्होंने कोई व्यापार नहीं किया तो हम रास्ते पे उतर कर राष्ट्रवादी कार्यालय के सामने हम आंदोलन करने के लिए उतरे। जितेंद्र आव्हाड जी राष्ट्रवादी के, वो भी बोलते हैं सनातन धर्म ही देश को लगी हुई कीड़ है, हिंदू धर्म ही देश को लगा हुआ कीड़ है, शरद पवार तो जमाने से हिंदुओं का अपमान करते जाए, अब ये दुनेश्वर पेठे जी भी उनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि एक विशिष्ट समाज के होठ हमको मिलना चाहिए और उनके ऊपर हमने काम करना चाहिए, ऐसा अधिकार इनको किसने दिया है? हिंदू समाज का अपमान करने का अधिकार क्या दिया? इसके लिए आज तो युवा मोर्चा ने किया है, कल बजरंग दल रस्ते पर उतरेगा, विश्व हिंदू परिषद उतरेगा, पूरी पार्टी रस्ते पर उतरने वाली है, क्योंकि ये इतना बड़ा तुम कैलेंडर छापते हो क्या, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है? भगवान विट्ठल के ऊपर में तुम बकरे का चिन्ह छापते हो और तुम्हारा क्या करने का मतलब है कि हिंदुओं की भावना दुखाने का? इस देश के 130 करोड़ हिंदुओं ने हाथ में चूड़िया नहीं पहन के रखी है, जब तक अगर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इस देश का हिंदू जागृत होकर इन लोगों को ठोकने पीटने का और आंदोलन करने का काम करेगा, क्योंकि हम हिंदू है और ये कोई राजकारण के विषय में हम आंदोलन नहीं कर रहे, ये हमारे अस्मिता का विषय है। हमारे हजारों वारकरी बंधु पैदल पैदल पंडरपुर में जाके भगवान विट्ठल के दर्शन करने जाते हैं, हमारी माता बहने एकादशी के दिवस पर पानी पे उपास करती है। आज उनकी महिला यहाँ पे आई थी विरोध करने के लिए, मेरा उनको से भी सवाल है, ठीक है आप विरोध करने हैं, बाबा साहब ने घटना में सबको अधिकार दिया है, पर मुझे ये बताइए कि इस चित्र का और इस चीज़ का आपको समर्थन है क्या? इस चीज़ का आप मान्य करते हो क्या कि ये चीज़ का हमारे अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे जी ने क्या है सही किया है? ऐसा उन्होंने बोलना चाहिए, इसका मतलब वो विरोध करना है राष्ट्रवादी वाले, इसका मतलब इनको ये मान्य है, हिंदुओं का अपमान उनको मान्य है, हिंदू समाज का अपमान उनको मान्य है। आज दुनेश्वर पेठे ने माफीनामा भी दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माफीनामे से माफीनामा दिया, जनता के सामने पत्रकार परिषद लेके माफी मांगना चाहिए ना, प्रेस में थोड़ा सा देने से नहीं होगा ना। और दूसरी बात ऐसी कि जानबूझ के किए हो, इतना बड़ा कैलेंडर छापते हो तुम, या तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ तो देखते होंगे, दिवाली कब क्या देखते होंगे, दशहरा कब का आएंगे देखते होंगे, और तुमने इतना बड़ा भगवान विट्ठल का चित्र नहीं देखा? इतना बड़ा भैया, एक सादा पॉम्पलेट पत्र का आप भी छापते हो देखते होंगे, एक सादा लेटर तो आप भी तीन बार पढ़ते हो, आप भी कोई लेटर तीन बार पढ़ते हो उसके बाद में उसको फाइनल करते हो, ये जानबूझ के की हुई गलती है, इसका समर्थन हम करते नहीं, और इससे हमारे हिंदू समाज की भावना आहत हुई है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इस विषय को हम कंटिन्यू लेके, आज हमें भावन कुड़े साहब का फोन आया कि ये करना पड़ता, इस विषय में हम यहाँ पे आए, इस यही आंदोलन अभी महाराष्ट्र के काने कोपरे में शुरू होने वाला है कि हिंदू समाज का इतना अपमान करने का अधिकार इनको किसने दिया है? शरद पवार जितेंद्र आव्हाड तो करते जाए, उनके पदचिन्हों पर पेटे भी चल रहे हैं और इनको भी उनके संस्कार है, ये राष्ट्रवादी के संस्कार है, ये जाहिर होता और देश के हिंदू समाज का अपमान हम सहन करने वाले नहीं है। इस देश के 130 करोड़ हिंदुओं ने हाथ में चूड़िया नहीं पहनी है, आज हमने किया है, कल बजरंग दल करेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उतरेंगे, विश्व हिंदू परिषद उतरेगा, करनी सेना उतरेंगी और सभी लोग उतर के हमारे विट्ठल का भगवान का जो अपमान इन लोगों ने किया है उसका विरोध करने का काम हम करेंगे।
आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, भाजपा युवा मोर्चा द्वारा यह मुद्दा शहर की राजनीति में काफी बड़े तौर पर उठाया गया है। तो आइए देखते हैं आगे इसका असर क्या शहर की राजनीति में पड़ता है, साथ ही साथ राज्य की राजनीति में भी इसका क्या प्रत्यारोप आरोप की राजनीति का असर क्या पड़ता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, एनबीसी न्यूज के लिए नागपुर। एनबीसी न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।